एसटीएफ एसएसपी राजीव नारायण मिश्र के नेतृत्व में एसटीएफ गोरखपुर की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एसटीएफ ने फर्जी दस्तावेजों के साथ नौकरी कर दो शिक्षकों, एक स्टेनो और दो दलालों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हरेंद्र सिंह जला बेसिक शिक्षा अधिकारी का स्टेनो है। सभी पांचों आरोपी सिद्धार्थनगर के हैं। इनके पास से एसटीएफ ने 2.5 लाख नगद और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद किया है। एसटीएफ ने सभी आरोपियों को कैंट क्षेत्र के गोरखपुर क्लब के पास से गिरफ्तार किया है तथा सभी को कैंट पुलिस के हवाले कर दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी व सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोटरे ने बताया। कल दिनांक 23/9/2019 को गोरखपुर क्लब से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था एसटीएफ टीम द्वारा, और ये प्रकरण फर्जी जो शिक्षक भर्ती हुए हैं उन्हीं के संबंध में ये प्रकरण है। कुछ उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग वसूली करते थे, लाखों रुपए की वसूली करते थे, और उसमें से एक जो स्टेनो है उसको भी अरेस्ट किया गया है। उनका नाम है हरेंद्र कुमार सिंह, उम्र करीबन 51 वर्ष है। एक चंद्रदेव पांडे, उनको भी अरेस्ट किया गया है। बाबूलाल चौधरी, अवगेश मिश्रा और सच्चिदानंद पांडे, इन लोगों के अरेस्ट की गई है। और इसमें अभी मुकदमा धारा 419, 420, 67, 467, 468, 471, 120B और 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दर्ज किया जा रहा है।